के सभी श्रोताओं को राकेश खरी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले आपको बता दें अपने इस कार्यक्रम के फोन नंबर। हमारा पहला फोन नंबर है 298029 यानी 298029 और दूसरा फोन नंबर है 2415888 यानी 241588। बाहर के श्रोताओं के लिए स्टडी कोड 07682 यानी 07682। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 11 बजे से 11:30 के बीच की जाती है। इसी बीच हमारे कोई श्रोता लाइन पर है, आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार, मैं ग्राम शेखपुर जिला सागर से धर्मेंद्र सिंह लोधी बात कर रहा हूँ सर। अच्छा धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो पहली बार फोन लगाया आपने? सर नहीं, दूसरी बार लग रहा है, इससे पहले एक बार और लगा है, रविंद्र सर से बात हुई थी, आपसे पहली बार हो रही है। जी जी, तो कौन सा गाना सुनवा दें आपको? गाना सुनवा दीजिए सर, फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक और गाने के बोल हैं ए मेरे हमसफर। जी। और सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाएं क्या करते हैं? सर पढ़ाई चल रही है सर, एमए कंप्लीट हो गई है इकोनॉमिक्स से और अभी नेट एग्जाम की तैयारी चल रही है सर। तो क्या उद्देश्य बना रखा है आपने, पढ़ने लिखने के बाद क्या करेंगे? बस सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट एग्जाम की तैयारी चल रही है। जी। वो क्लियर हो जाता है तो फिर पीएचडी करना चाह रहे हैं। जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो भाई आकाशवाणी छतरपुर सुनते हैं आप? जी सर सुनते रहते हैं। मोबाइल ऐप से सुनते हैं या रेडियो से? हाँ सर, ज्यादातर मोबाइल ऐप से भी सुनते हैं और हमारे यहाँ प्रसारण पहुँच जाता है तो रेडियो पे भी सुन लेते हैं कभी कभार। जी जी जी। इस समय मौसम कैसा है आपके यहाँ? मौसम सर अभी तो कोहरा है जी, पर धूप निकल आती है, सुबह ऐसे ही बना हुआ है सर, सुबह टाइम कोहरा रहता है पर धूप निकल आती है। हाँ इस समय छतरपुर में तो बहुत ठंड पड़ रही है। हाँ ठंड तो है सर, लेकिन धूप निकल आती है तो फिर बढ़िया रहता है। जी जी, तो आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? सर बहुत अच्छे लगते हैं और हम हेलो फरमाइश जवाब गुनगुना उठे जी ये सुनते हैं और ग्राम सभा। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप वक्त निकाल के आकाशवाणी छतरपुर का प्रसारण भी सुनते हैं। जी जी। और हम आपको सुनवाते हैं धर्मेंद्र जी आपकी पसंद का गाना, डीजे सुनिए। ठीक है सर, नमस्ते। अरे रास्ते में रोहन के कॉलेज प्रोफेसर मिले थे, हाल चाल पूछ रहे थे और हाँ कह रहे थे कि रोहन 18 वर्ष का हो गया है तो उसका नाम मतदाता सूची में जुड़वा लेना। अच्छा कैसे? उन्होंने बताया कि 22 जनवरी तक फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलेगा जिसमें बीएलओ मतदान केंद्रों में उपस्थित रहेंगे और नाम जोड़ने हटाने संशोधन के लिए आवेदन लेंगे और इसके लिए 20 जनवरी को विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। यानी जो अभी 18 साल के हुए हैं वहाँ उन सभी लोगों का आवेदन लिया जाएगा? हाँ, वैसे voters.eci.gov.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। अच्छा, तो हम रोहन को लेकर मतदान केंद्र जरूर चलेंगे। मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं, जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हेलो फरमाइश। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार जी, राकेश सर बोल रहे हैं? बिल्कुल, राकेश खरे भी बोल रहा हूँ। जी सर, सबसे पहले तो आपको प्यार भरा नमस्कार, आपकी आवाज़ हमेशा रेडियो पर सुनती रहती हूँ, आज आपसे फर्स्ट टाइम कॉल पे बात कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए हमारी खुशनसीबी है कि हमारी आपसे बात हो रही है, परिचय दे दें अपना। जी सर, मैं भारती राव बिशनपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से। अच्छा भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। और क्या करती हैं आप? सर मैं तो घर पे रहती हूँ, माँ के कामों में हाथ बटाती हूँ और हाँ मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ सर। बहुत अच्छी बात है भारती जी। आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको? जी सर बहुत अच्छे लगते हैं, जब आप कार्यक्रम में आते हैं और भी बहुत सारे उद्घोषक हैं जिनकी प्रस्तुति हमें बहुत अच्छी लगती है, पर आप कार्यक्रम में आते हैं तो चार चांद लग जाते हैं सर, और अमूमन जब मन भावन आप लेकर आते हैं रात में तो हमें बहुत अच्छा लगता है और आप सभी के पत्र जो पढ़ते हैं शामिल करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी भी फरमाइश शामिल होती है। जी सर। तो भारती जी आज कौन सा गाना सुनवा दूं आपको? जी सर, मैं राजा भैया का सुनना चाहूंगी सर, जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ। आप हमारे कार्यक्रम कैसे सुनती हैं, रेडियो से या मोबाइल ऐप से?
सर रेडियो तो नहीं है, मोबाइल के ऐप से हम सुनते हैं, क्योंकि मोबाइल मेरे पास है, घर पे दो फोन है, तो एक फोन से हम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो एक फोन से भैया जो क्या कहते हैं कि हमारे फोन से मतलब हम सुनते हैं, और हमारे पास ब्लूटूथ का माध्यम है सर, तो हम उस पे कनेक्ट कर देते हैं, तो बाकी घर के सभी लोग सुनते हैं रेडियो। अरे बहुत बढ़िया बात है भाई, सबका काम चलता है, सबका आनंद उठाते हैं कार्यक्रम का। हाँ जी बिल्कुल सर, क्योंकि क्या बात है ना कि रेडियो जो सुनने से हमें जो मतलब अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं और बहुत अच्छे अच्छे गीत भी सुनने को मिलते हैं, तो बहुत सारी जानकारियां भी हमें रेडियो के थ्रू मिलती है, तो हम सभी रेडियो से जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है भारती जी, और हम उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह आकाशवाणी छतरपुर से और रेडियो से जुड़ी रहेंगी। जी बिल्कुल सर, और रेडियो का जो मतलब सुनने का भी अभी हमारा वो था, तो वो सर जयपाल भैया की वजह से हम मतलब सुन पा रहे हैं रेडियो को, क्योंकि उन्होंने हमें मतलब जोड़े रखा, और छतरपुर के कार्यक्रम जो हम तक पहुंच रहे हैं ना, हम सुन पा रहे हैं आप लोगों की आवाज, तो उसमें उनकी मतलब बहुत हमारे ऊपर वो रहा है, तो हम उनकी वजह से रेडियो सुनना चालू मतलब फिर से कर दिए। जी जी चलिए बहुत अच्छी बात है, और भारती जी हम आपको सुनवाते हैं। आप हेलो फरमाइश जी। राकेश खरे के लिए पंडित सत्यनारायण तिवारी जी की ग्राम मोहली जिला सागर तहसील बाणरी से नमस्कार। जी नमस्कार जी, बताएं क्या फरमाइश है। खुदा गवाह का। क्या कर रहे हैं शिवनारायण तिवारी जी। पंडिताई करते हैं सर। जी जी जी, और आकाशवाणी छतरपुर सुनने का वक्त मिल जाता है। बिल्कुल रेडियो है अपने पास, बिल्कुल सुनते हैं कार्यक्रम। तो रेडियो के माध्यम से सुनते हैं आप। जी जी। इस समय मौसम कैसा है आपके यहाँ का। हाँ बादल हो गया है सर, अभी इस वक्त तो बादल हो चुके हैं। और ठंड कैसी पड़ रही है। ठंड कड़ाके की, बिल्कुल 4 डिग्री 3 डिग्री 6 डिग्री ऐसा मौसम चल रहा है सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी बहुत ठंड है जी। और शिवनारायण जी हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना, लीजिए सुनिए। छोटी माता मंदिर के निकट कोटरा जिला जालू से अमित तिवारी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी अमित जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद खरे साहब, बहुत दिनों के बात हो रही है बहुत दिनों के बाद हमारी आपसे। जी जी बताएं क्या फरमाइश है आपकी। फिल्म है गुमराह है, और हम कुछ आकाशवाणी अपने संदेश शामिल करना चाहते हैं। जी बताएं। मछली बिना पानी के नहीं रह सकती है, कमल बिना पंख के निशा मृंग के बिना नहीं रह सकता है, और संत बिना भजन के नहीं रह सकते हैं, अर्थात इसी तरह हम सभी श्रोता भी आपके कार्यक्रम के सुने बिना नहीं रह सकते हैं। चलिए आप हमेशा हमारे कार्यक्रम सुनते रहे यही उम्मीद करते हैं। अमित जी आकाशवाणी के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। कार्यक्रम की तो बात, इतनी अच्छे कार्यक्रम लग रहे हैं कि हम कुछ बता भी नहीं सकते हैं। बहुत अच्छे, सुबह से लेकर के और रात के 11 बजे 10 मिनट तक कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे एक से बढ़कर ये कार्यक्रम रखते हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं जी, जो तितली का नाता फूल से है, बच्चों का नाता स्कूल से है, वही नाता हम सभी श्रोताओं को आकाशवाणी छतरपुर से और एवं आपसे है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नाता बनाए रखिए, और लीजिए फिलहाल सुनिए अपनी पसंद का। जग में नारी को भारी सम्मान है, ओ भैया बता रहे हैं संवेदन में, जग में नारी को भारी सम्मान है, ओ भैया बता रहे हैं संवेदन में, लक्ष्मी नारायण जग जाने, अरे लक्ष्मी नारायण जग जाने, एक ही संग दोई राने, लक्ष्मी नारायण जग जाने, एक ही संग दोई राने, बोले देवी जी विष्णु भगवान बता रहे सवेदन में, जग में नारी को भारी सम्मान बता रहे सवेदन में। जी हाँ, नारी नर से भारी है, नारी गरिमा बढ़ाएं, नारी को सम्मान करें। हेलो फरमाइश। हेलो सर नमस्ते। नमस्कार जी, मैं अंजना प्रजापति बोल रही, ग्राम सगरा जिला पन्ना से। अच्छा अंजना जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कौन सा गाना सुनवाते हैं आपको। कयामत फिल्म है, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, एतबार नहीं करना, ये वाला। अच्छा, और सर आप कैसे हैं। मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं। सर हम भी बहुत अच्छे हैं। ठंड कैसी पड़ रही है आपके यहाँ। ठंड सर कोहरा छाया रहता है, ठंड तो आजकल बहुत तेज पड़ रही है, लेकिन अभी तो धूप निकली है थोड़ी थोड़ी। अच्छा जी, यहाँ तो धूप के दर्शन ही नहीं हुए 2 दिन से। नहीं सर, धूप तो यहाँ पे निकल आती है करीब 9 बजे के आसपास से निकल आती है। यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है, और शायद MP का पहला जिला बन चुका है छतरपुर इतने कम टेम्परेचर के कारण। तो अंजना जी आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। सर कार्यक्रम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुनते रहते हैं समय समय पर जब भी टाइम मिलता है। जी
और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? पढ़ाई भी अच्छी चल रही है सर। हेलो सर, मैं आदरणीय खरे जी प्रणाम करती हूँ। जी नमस्कार जी, मैं जयमंत्री केवट अनूपपुर से बोल रही हूँ। अच्छा जयमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। हेलो फरमाइश में आप ही से बात हुई थी मेरी। जी जी, सौभाग्य से आज एक बार फिर बात हो रही है। जी जी जी, तो आज मैं दिन विशेष पर एक गीत सुनना चाहती हूँ। जी फिल्म नील कमल का है जी, हे रोम रोम में बसने वाले राम जगत क्या बात के है? स्वामी सामयिक गाना है, सुनवाइए सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे भी रामराजा सरकार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है कल ही। जी जी, पूरे देश में यही माहौल है, इसलिए मैंने ये गीत चुनी हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा गाना है ये। जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं बराबर, और ज्यादा खुशी मिलती है इसमें, और ज्यादा खुश हो जाते हैं। जी चलिए अच्छी बात है, आप तो वैसे भी बहुत प्रोत्साहित करती हैं। और जी धन्यवाद सर, आपका प्रोत्साहन पाकर हम लोग अच्छा से और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जी जी, तो जयमंत्री जी आपके यहाँ का मौसम कैसा है? हमारे यहाँ का मौसम मतलब बदल छाई है, बदली छाई है, और बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ भी बहुत ठंड है, मतलब 3 डिग्री टेम्परेचर पहुँच चुका है। हाँ हाँ वैसे ही है यहाँ भी, कल का मौसम और आज का बराबर ही है। अभी कुछ टाइम मतलब 1 बजे तक थोड़ी सी खुलती है मौसम, फिर वैसे हो जाती। चलिए अच्छी बात है। हाँ। और ठंड का भी आनंद लेना चाहिए, हर मौसम का आनंद लेना चाहिए। जी, जी। लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, कल बिल्कुल, हमने बिल्कुल, देखा बिल्कुल, एक बिल्कुल। मार्केट में कई ऐसे व्यक्ति जो पता नहीं स्वास्थ्य को ठंड की वजह से बीमार हो गए, एकाएक बीमार हो गए। हाँ, तो नहीं ध्यान रखना चाहिए अपन को ठंड का। जी जी, तो जयमंत्री जी हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना, लीजिए सुनिए। जी धन्यवाद सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी सर, मैं ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहे हैं सर जी। राम शरण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत दिनों के बाद कॉल लगी है तो बहुत खुशी हो रही है सर जी। जी जी चलिए, हम भी प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं आपसे बात करके। जी जी सर, और बताएं क्या फरमाइश है आपकी, कौन सा गाना सुनवा दूं? सर जी आज हमको सरगम फिल्म का सुनवा दो, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। क्या बात है, इधर प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है राम जी, जी के, तो इसी पर सुन लेंगे, अच्छा गीत रहेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, तो राम शरण जी फिलहाल कैसा है मौसम मामना का? सर जी मौसम तो बहुत ठंडा है, काफी दिन से सूरज भी निकले नहीं है। जी बहुत, जैसे कड़क ठंड बोलते हुए पड़ रही है। बिल्कुल सर जी बिल्कुल, यहाँ भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जी